आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज एक्सप्रेस में। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। 13 और 14 नवंबर की रात फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बड़ी ही बेदर्दाना कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 30 साल आरिफ नामी शख्स, जो कि शमा टाकिस का साकिन बताया जा रहा है और खानगी मुलाजिमत करता था, शमा टाकिस के करीब 3 नामालूम अफराद ने तेज धार हथियारों से बड़ी ही बेदर्दी और जालिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस क्रूज टीम के हमरा मुकामी वारदात पर पहुंचकर मकतूल आरिफ को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, पर दौरान इलाज आरिफ जख्मों से जान पर ना हो सके और फौत हो गए। कत्ल की वजूहात का अभी इल्म ना हो सका, मजीद तफसीलात आनी बाकी है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से कातिलों की तलाश भी शुरू कर दी है। आइए देखते हैं ये वारदात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरिफ नाम के नौजवान बच्चे का कत्ल हुआ, बेदर्दाना जो कत्ल किया गया इसका, हमको बड़ा दुख की बात है कि इस मोहल्ले में, इस एरिया के अंदर कि ऐसा कत्ल होना सबके लिए, क्योंकि आजू बाजू पड़ोसियों के अंदर ये बच्चे की शादी भी नहीं, 23 से 24 साल की उम्र का ये लड़के का नाजायज़ तरीके से पूरा आदमियों ने कत्ल किया गया। हम पुलिस महकमे से बार बार अपील कर रहे हैं कि ऐसे वाक़ात दोबारा ना हो। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस से, महकमा और साउथ जोन DCP साहब से, हमारे मुतालिका ACP साहब से, इंस्पेक्टरों से, तमाम बार बार, क्योंकि पेट्रोलिंग को तेज़ किया जाए और तमाम एरिया के अंदर जो जो भी ऐसे कत्ल, कई कत्ल ऐसे होते जा रहे हैं, नौजवानों के खासतौर से कत्ल होते जा रहे हैं। और इसमें यहाँ पर तहकीक करने पे मालूम हुआ कि ये लड़का भी जो है गांजा और जैसे कुछ टैबलेट्स लेता था, और 3 लड़के आकर एक्टिवा गाड़ी पर इसका जो है मार कर चले गए। इसका क्या वजह है हमको तो अभी तो थोड़ी देर हुआ मालूम हो, क्योंकि पुलिस का काम है उनको पकड़ कर जो है उनको कुफर किरदार तक पहुंचाने का काम है। हम ये चाहते हैं कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, लिहाजा ऐसे कत्लों को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे छोटे मोटे वाक़ात होते हैं तो उसको दरगुजर करना चाहिए, बड़ों के बीच में बैठकर, महल्ले वालों के बीच में बैठकर, ख़ानदान वालों के बीच में बैठकर सुलह सफाई का एक रास्ता है, क्योंकि हर ज़माने से ऐसा होते आया है, मगर ऐसा ही करना चाहिए। वरना ऐसा दिन ब दिन एक दूसरे पे जोश व खरोश के अंदर गांजे पीकर, गोलियां खाकर जो कत्लेआम करते हैं, सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे मुतालिका MLA साहब सख्ती से बार बार कह रहे हैं कि ये जो मुतालिका जो भी खातिल है, इनको हम इस मोहल्ले से अगर ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अतराफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो हमारे तमाम भाइयों से हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों का सोशल बाइकॉट किया जाए, इनसे कोई भी राबता ना रखें, अगर कोई भी उनसे राबता रखे तो उनको भी पुलिस उनके साथ भी जो है रवैया ऐसा इख्तियार करे कि वो लोग दोबारा ऐसे लोगों से राबता ना रखें। हम फिर अदबन गुजारिश करते हैं कि ऐसे वाक़ात में मुलविस ना हो, जो है जो इंसान इंतकाल हो गया उसके बहनों का, उसके भाइयों का, उनके बीवियों का, उनके बच्चों का क्या हाल होने वाला है। मारने वाला तो मार के चले गया, मगर उनके जो नस्लें जो है इसमें मुलविस होकर बड़े परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाएंगी। उनका खाने का कौन देखेगा, उनका पीने का कौन देखेगा। पिछली मरतबा मुस्तफ़ा नगर में भी एक औरत का ऐसा ही कत्ल हुआ था, उसको 6 लड़कियां, एक लड़का था। मारने वाले ने उन मासूम बच्चों का भी, 1 साल के बच्चे की भी सूरत नहीं देखी और जो है उसका कत्ल कर दिया गया। हम लोगों से फिर